कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर सैफुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। मीर ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान आबाद किए और जम्मू कश्मीर में गन कल्चर को फरोग देने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। मीर सैफुल्ला ने त्रहगाम हल्के इंतखाब की वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। कारकुनों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। मीर सैफुल्ला का कहना है कि बारामुल्ला पार्लियामेंट नशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस शानदार जीत दर्ज करेगी। हमारे आईन को ख़त्म करना गलत था, यहाँ के नेशनल फ्लैग को ख़त्म करना गलत था, सैकड़ों साल रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करना गलत था, रियासत को ड्यूटी बनाना गलत था। हम ख्याल लोगों के साथ हमने बात की है, उनसे हमने बात की है, लेकिन उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने फिर कांग्रेस में ज्वाइन किया, फिर जंग कांग्रेस से भी उन्होंने लड़ा इलेक्शन। आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आप अभी जवान हैं, आपको ये बात ही मालूम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ भी इलेक्शन लड़ा है, उनके साथ भी ज्वाइन किया है, और लोन साहब कांग्रेस के मेंबर थे, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, और मिनिस्टर भी कांग्रेस का था। और उसके बाद जो कमी थी कोई, वो पूरी सजाद साहब ने की है, उसे सीधा ही बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के कोटा में बाज़ाब्ता मिनिस्टर बना, और बीजेपी का तब तक रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी का निशान नहीं था। जब ये 2014 में इन लोगों ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई, आरएसएस के साथ गवर्नमेंट बनाई, बजरंग दल के साथ गवर्नमेंट बनाई, और यहाँ पर बीजेपी आरएसएस और बाकी जमातें जो है हिंदुस्तान की, उनको यहाँ घर घर में लाया, घर घर पहुँचाई।